आज हम बनाने जा रहे हैं मटर मखाने की स्वादिष्ट सब्जी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी है गर्म होने के लिए। इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे मखाने। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी मखाने लिए हैं। मखाने को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे क्रिस्पी होने तक। तो मखाने क्रिस्पी हो चुके हैं, ये कुरकुरे हो चुके हैं, इसे निकाल लेते हैं। मखानों को मैंने मस्टर्ड ऑयल में फ्राई किया, आप चाहें तो रिफाइंड या देसी का यूज़ कर सकते हैं। सेम कढ़ाई में डालेंगे मस्टर्ड ऑयल और ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें खड़े गर्म मसालों को तड़का देंगे, जिसमें है तेज पात, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जीरा, लौंग और जावित्री। साथ ही ऐड कर लेंगे आधा चम्मच के करीब हींग। कुछ सेकंड के लो फ्लेम पर सौते कर लेंगे। साथ ही ऐड कर लेंगे 3 मीडियम साइज की प्याज, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। प्याज को मैंने 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुटी हुई हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इसे भी प्याज के साथ 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। तो इसे मैंने अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। गैस की फ्लेम लो कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले, जिसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर है। साथ ही ऐड कर लेंगे नमक, जो कि रहेगा इस पर टेस्ट। मसालों को भी लो फ्लेम पर कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। तो मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ताज़ी मटर। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मटर ली है, ये फ्रेश मटर है। साथ ही ऐड कर लेंगे 3 मीडियम साइज के टमाटर, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। मटर और टमाटर को भी हम इसके साथ 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। तो इसे मैंने अच्छे से भून लिया है 5 मिनट तक। गैस की फ्लेम लो करके 8 से 10 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे, जिससे मटर और टमाटर अच्छे से गल जाएं। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, अभी से हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए मटर और टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे मावा, 3 से 4 चम्मच करीब मावा इसमें ऐड कर लेते हैं। साथ ही ऐड कर लेंगे भुने हुए काजू, अच्छे से मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। तो इसे मैंने अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं कि मसालों से तेल बाहर आ चुका है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी पानी का यूज़ किया है। पानी का इस्तेमाल आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको किस तरीके की ग्रेवी पसंद है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम हाई फ्लेम पर एक बॉयल आने तक वेट करेंगे। तो हमारे ग्रेवी में बॉयल आ चुका है, गैस की फ्लेम लो कर लेते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और ताजी धनिया की पत्ती, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, इसे हम चेक कर लेते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं और 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, आइए इसे हम चेक कर लें। ये बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे मखाने, जिसे हमने भुना था, रोस्ट किया हुआ था, इसे मिक्स कर लेते हैं। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, हमारी सब्जी बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। तो चलिए हम सर्व कर लेते हैं इसे। तो फ्रेंड्स सब्जी बनकर तैयार है, इसे मैंने सर्व कर लिया है। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार हुई है। इसे आप रोटी, पराठे, नान या लच्छा पराठा या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और ही ऐसे इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।